अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पेंट करना बताऊंगी, जो कि मैंने एक दो रोज़ पहले ये डिज़ाइन आपको ड्रा करके दिखाई है। आज मैं इसको कलर करूंगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएँ, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप देख सकें हमारी हर वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये रहे कलर, ब्राउन कलर जो कि मैंने लगाए, ये गोल्डन येलो कलर, ये मरून कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर, लेमन येलो कलर, ये मैंने 6 कलर यूज़ किए हैं। ये मेरे ब्रश है, 3 नंबर ब्रश, ये 3 नंबर ब्रश है, एक 2 नंबर का ब्रश है, ये भी 3 नंबर का ब्रश है, लगभग 3 नंबर का है, और एक जो है वो 2 नंबर का ब्रश है। तो आइए चलते हैं, कैसे कलर करेंगे ये देखने। तो पहले मैं लीफ करना बताऊंगी। लीफ में हम 2 कलर ऐड करेंगे, येलो कलर और ब्लू कलर। दोनों कलर का हमें बनाना है। बीच से हमें येलो कलर का शेड देना है और किनारे से हमें ब्लू कलर का शेड देना है। ये हमारा ब्लू कलर, ये लेमन येलो, यही दोनों कलर से मैं लिप बनाऊंगी। आप देख सकते हैं, यहाँ बीच से ये लेमन कलर, लेमन येलो कलर नीचे से हम लगाएंगे, इस तरह से नीचे से हमें चौड़ाई में शेड करना है। ऊपर लाकर जिस तरह लीफ का शेप है, उसी तरह से हमें शेड देना है। नीचे से येलो कलर लगाना है, किनारे की थोड़ी थोड़ी जगह छूटनी चाहिए, जिसमें हम ब्लू कलर का शेड देंगे किनारे से। ये हमारे दोनों लीफ में येलो कलर हो गया। अब हम ब्लू कलर का शेड देंगे, ये इस तरह से। इस तरह से हमें शेड देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है, सिंपल सा, कोई भी बना ले। तो हमारा इस तरह से ये मैं आपको बेसिक पेंटिंग बता रही हूँ, जो कि बहुत इजी और आसान है, कोई भी बना सकता है, आप इससे सीख भी सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे डिज़ाइन बना कर ही सीखें, आप एक लीफ बना कर सीख सकते हैं, एक फ्लावर बना कर सीख सकते हैं। आपको जब तक ना आए, आप प्रैक्टिस करते रहें और ज़रूर आ जाएगा बनाने, बाद में फिनिशिंग आ ही जाएगी। पहले से किसी को नहीं आता है, बनाते बनाते सबको आते हैं, बनाते बनाते सबको आ ही जाता है। कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी तो बनेगा ही। तो बस उसी तरह से मैंने भी बनाया है, मुझे भी आ गया, और आज मैं सबको बताती हूँ बनाना। तो इस तरह से लीफ करेंगे, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है लीफ। ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर से हम ये
जो मैं बना रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये एक नंबर ब्रश है, आप देख सकते हैं, जो कि मैंने काट के बिल्कुल छोटा सा बनाया हुआ है। ये हमें छोटा छोटा सा ज़ीरा टाइप बनाना है। इसके बीच बीच में मैं पिंक कलर भरूँगी, उससे इसकी खूबसूरती और ज़्यादा हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं, ये पिंक कलर बीच बीच में हम लगाएंगे, जिस तरह मैंने ब्लू कलर को लगाया उसी तरह पिंक कलर भी लगाएंगे। इस तरह से कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह से हम बनाएंगे। अब मैं बनाऊंगी फ्लावर बनाऊंगी, जो कि दो कलर से मैं बनाऊंगी फ्लावर। पहले जो कि नारी के फ्लावर की लीफ है, मैं दो कलर से बनाऊंगी। नीचे से येलो कलर का शर्ट दूंगी और ऊपर से पिंक कलर का शर्ट दूंगी। ये हमें नीचे से लगभग ऊपर तक येलो कलर का शर्ट देना है और थोड़ा सा खाली रखना है, जिसे हम पिंक कलर का शेड नीचे की तरफ देंगे तो येलो कलर में जाके मिक्स होगा और बहुत खूबसूरत लगेगा। इस तरह से हमें इसी तरह से बनाना है। इस तरह से हमें येलो कलर के शेड में मिक्स करना है। ये हमारा फ्लावर, ये हमारे फ्लावर की लीफ। इसी तरह से हम सारी लीफ, फ्लावर की सारी लीफ करेंगे। अगर आप पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। एक एक स्टेप में बताई हूँ कौन सा कैसा करना है, क्या करना है। अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर होगा, आपको समझ में आएगा कैसे बनाना है। इस तरह से हम सारे फ्लावर की लीफ कलर करेंगे। ये बेसिक पेंटिंग है, बहुत ही इजी और आसान। फ्रेंड्स, आप लोग पूछते हैं मैं सिर्फ पिलो कवर ही क्यों बनाती हूँ, दिखाती हूँ, क्योंकि इतनी बेडशीट मैं क्या करूँगी बना के खुद के लिए रख के। तो इसके लिए मैं सिर्फ पेंटिंग करना ही बता रही हूँ, कैसे फ्लावर किस तरह कलर करना है, किससे पेंट करना है, इसलिए मैं सिर्फ कलर करना बताती हूँ। और डिज़ाइन फ्लावर आप देखेंगे, आपको फ्लावर समझ में आता है तो आप फ्लावर के हिसाब से खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन तो आप भी बना सकते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको भी आ सकती है डिज़ाइन करने। वैसे भी मेरी डिज़ाइन जो मैं डिज़ाइन करके दिखाती हूँ, बहुत कम ही लोग होंगे जो सेम टू सेम ड्रा कर लेते होंगे। नहीं तो सेम टू सेम तो कोई ही नहीं कर पाता होगा, ऐसे ही कोई कर लेता होगा, सब नहीं कर पाते होंगे। मैं खुद ही नहीं कर पाऊँगी अपनी डिज़ाइन सेम टू सेम वापस दोबारा। एक बार जो बना ली दोबारा नहीं बना पाऊँगी, उतनी अच्छी नहीं बनेगी, थोड़ी सी मिस्टेक हो ही जाएगी। तो डिज़ाइन तो अपने आप भी इंसान बना सकता है, सिर्फ हमें फ्लावर अलग अलग हिसाब के चाहिए होते हैं, लीफ अलग अलग हिसाब के चाहिए होती है और पेंट भी अलग अलग हिसाब के चाहिए होते हैं। तो मैं वही बताती हूँ, फ्लावर अलग,
पेंटिंग अलग। ये रही मेरी आज की पेंटिंग। तो कैसी लगी हमारी पेंटिंग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी मैं आपको कल भी कलर करके दिखा रही हूँ, वो भी बहुत इजी है। अगर आप पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो पूरी देखें, क्योंकि लास्ट तक मैं कुछ ना कुछ करके बताई ही हूँ। और आखिर में मैंने कंप्लीट करके भी दिखाया हुआ है, तो आपको आखिर में पूरी कंप्लीट डिज़ाइन दिख जाएगी। तो इसके लिए आप पूरी वीडियो देखें। ये हमारी फ्लावर की लीफ हो गई। अब हम बीच का बनाएंगे, जिसमें गोल्डन येलो लगाएंगे। ये ब्राउन कलर लगाएंगे और मरून कलर लगाएंगे। तीन कलर हम बीच में लगाएंगे। गोल्डन येलो से हम पूरा भरेंगे बीच का हिस्सा। ये जो बीच वाला पार्ट है खाली खाली सा, उसमें हम गोल्डन येलो भरेंगे, ऐड करेंगे। ये इस तरह से, ये हम गोल्डन येलो इसमें कर लिए। अब हम किनारे से ब्राउन कलर लगाएंगे और फिर बीच में भी हम थोड़ा सा ब्राउन कलर लगाएंगे। ये एक नंबर ब्रश से थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से। अब हमारा मरून कलर बचा। अब हम उससे पतली पतली लाइनिंग बनाएंगे किनारे से। अब फ्लावर के बीच में अक्सर देखते हो पतला पतला सा रहता है, धागे जैसा। यहाँ आप 0 नंबर ब्रश का यूज कर सकते हैं, जिससे आप आसानी से बना लेंगे। मैं मार्केट नहीं जा पा रही हूँ, इसके लिए मेरे पास ब्रश भी नहीं है। ब्रश मुझे सब लाना है, बहुत सारी चीज़ें लानी है जो कि मेरे पास है नहीं इस वक्त। तो मैं फ्लैट ब्रश से ही काम चला रही हूँ। बस इसी तरह से हमें सारी फ्लावर के लीफ में इसी तरह से बनाना है। ये इस तरह से हमारा फ्लावर तैयार हो गया। इसी तरह से हम सारे फ्लावर को बनाएंगे। ये हमारा फ्लावर हो गया।
आप चाहें तो किनारे से वाइट कलर की आउटलाइनिंग भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये वाइट कलर आप चाहें तो लगा सकते हैं, आपका दिल ना करे तो ना भी लगाएं, कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा दोनों ही लगेगा, आपका दिल करे तो आप लगाएं, अगर नहीं करे तो ना लगाएं। तो इसी तरह से हम अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर चुके हैं। आपने देखा मैंने किस तरह से बनाया, इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बनाना है। कलर भी बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है, पहले ग्रीन कलर से डंठल बनानी है हमें, उसके बाद नीचे से येलो कलर लगाना है, उसके बाद ऊपर से पिंक कलर लगाना है। इस तरह से डंठल हम बनाएंगे, उसके बाद नीचे से येलो कलर का शर्ट देंगे, इस तरह से ऊपर से पिंक कलर कर देंगे। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और घंटा ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी और आप देख सकेंगे हमारी हर वीडियो को। तो फ्रेंड्स आप पेंटिंग सीखने के लिए पूरी आखिर तक वीडियो देखें और कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।